ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बारे में अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, अधिशोषण का जो समतापी वक्र होता है जिसको फ्रेंडली अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं उसको, और सबसे लास्ट में एक टॉपिक कवर करेंगे अधिशोषण के उपयोग। ठीक है, उपयोग वाला जो टॉपिक रहेगा उसको आप लोग खुद से करना, मैं थोड़ा बहुत हिंट दे दूंगा, बुक से कवर करना उसको। ठीक है, ध्यान से समझना। आज हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। कल हम लोग पढ़ चुके थे अधिशोषण किसे कहते हैं। अधिशोषण एक क्या घटना है, सतह पर होने वाली घटना है जिसमें किसी ठोस या द्रव के सतह पर गैस या द्रव के अणु आकर के क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और चिपक जाते हैं। क्लियर है ना, और ये बहुपरत बना सकते हैं जिस, ठीक है, और उसके आधार पर फिर हम लोग को अधिशोषण को कितने आधार पर, बंध के आधार पर डिवाइड किए थे, दो प्रकार का, एक था भौतिक और एक था आपका रासायनिक। क्लियर है, दोनों में अंतर याद हो गया था। उसके बाद हम लोग कौन सा याद किए थे, अंतर अधिशोषण और अवशोषण में। कल जो अधिशोषण का प्रकार पढ़े थे, धनात्मक अधिशोषण, ऋणात्मक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, वही वाले टॉपिक में आज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे कि अधिशोषण को प्रभावित कौन कौन से कारक कर सकते हैं, यानी किसके कारण अधिशोषण का मात्रा ज्यादा हो सकता है, किसके कारण अधिशोषण का मात्रा कम हो सकता है। क्लियर है कि नहीं, तो सबसे पहला हेडिंग डालो सब लोग, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक है आपका अधिशोष्य की प्रकृति, अधिशोष्य की प्रकृति। इसका प्रकृति देख रहे हैं हम लोग, अधिशोष्य का, अधिशोष्य का प्रकृति देखो। अधिशोषण में एक होता था अधिशोषक और एक होता था अधिशोष्य। अधिशोष्य जैसे कि ये तुम्हारा ठोस सतह जैसे प्लेटिनम है, और इसमें आ रहा है कौन, हाइड्रोजन गैस, और कौन आ रहा है आपका, ध्यान देना, हाइड्रोजन छोड़ो, एफ ई का लेते हैं उदाहरण, एफ ई है, ये आपका रहा है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आ रहा है। क्लियर है ना, तो ये जो गैस है, ये जो गैस है इसका कैसा नेचर है, इसका कैसा प्रकृति है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका अधिशोषण। क्लियर है ना, मतलब ये जो अधिशोष्य है उसके प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है आपका अधिशोषण। अब ध्यान से देखना, ये एक अधिशोषक है एफ ई, ठीक है ना, ध्यान देना ना, ये कोई एक अधिशोषक है एफ ई। एफ ई एन टू को जब अधिशोषित करता है तो इसका मात्रा ज़्यादा कर सकता है, इसका मात्रा कम कर सकता है। मतलब एक ही जो अधिशोषक है, एक ही जो आपका अधिशोषक है, वो भिन्न भिन्न मात्रा में, वो भिन्न भिन्न मात्रा में अलग अलग अधिशोष्य को अधिशोषित कर सकता है। क्लियर है कि नहीं, किसी एक जो अधिशोष्य है उसको ज़्यादा मात्रा में करता होगा, किसी एक को कम मात्रा में करता होगा। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है उसके क्रांतिक ताप के कारण। किसके कारण होता है, क्रांतिक ताप के कारण। क्रांतिक ताप का मान जितना ज़्यादा होता है, ध्यान समझना, क्रांतिक ताप का मान जितना ज़्यादा होता है अधिशोषण का मात्रा उतना ही ज़्यादा होता है। जिस गैस का क्रांतिक ताप का मान क्या होता है, कम, उसका अधिशोषण होगा कम, और जिसका क्रांतिक ताप का मान क्या रहेगा, ज़्यादा, उसका अधिशोषण होगा ज़्यादा। वही बोला क्या, उल्टा बोल डाला, सही बोला हूँ ना, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ध्यान से समझना, अधिशोष्य की प्रकृति, अधिशोष्य अलग अलग जो अधिशोषक होता है, ध्यान समझना, यदि कोई एक अधिशोषक है उस पर अलग अलग अधिशोष्य आ रहा है, तो कोई एक ज़्यादा मात्रा में होता होगा, कोई एक कम मात्रा में होता होगा, और वो निर्भर किसके ऊपर करता है, इसके क्रांतिक ताप के ऊपर। किसके ऊपर निर्भर करता है, आपके क्रांतिक ताप के ऊपर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्रांतिक ताप का मान जितना ज़्यादा होगा अधिशोषण का मात्रा उतना ही क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, किसका क्रांतिक ताप का मान सबसे ज़्यादा होता है, एसओ टू का। एक चार्ट दिया है आपके में, ठीक है, तो चार्ट में सबसे पहले ऊपर में एसओ टू का मान दिया, तो याद रखना, सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, किसका क्रांतिक ताप का मान ज़्यादा होता है, एसओ टू का। मतलब अधिशोषण कौन से गैस का ज़्यादा होता होगा, एसओ टू का। किसका होता होगा, एसओ टू का। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखो, पहला तो ये जान डाले, अधिशोष्य की प्रकृति में सबसे पहला कौन सा फैक्टर काम करता है, क्रांतिक ताप। कौन सा फैक्टर काम करता है, क्रांतिक ताप। जिसका क्रांतिक ताप का मान ज्यादा, उसका अधिशोषण भी क्या होता है आपका, ज्यादा। अधिशोषण क्या होता है, ज्यादा। दूसरा देखते हैं हम लोग अनुभार, ठीक है, जिसका अनुभार अधिक होता है वह आसानी से क्या होता है, अधिशोषित होता है। जिसका अनुभार अधिक, उसका अधिशोषण भी क्या होता है आपका, अधिक होता है। जैसे कि आपके सामने ऐसे दे दिया है, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस, एच टू है और एन टू, किसका अधिशोषण ज़्यादा होगा। तो देखो, नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का भार कितना होता है, 14, दो है तो 28, और इसका कितना होगा, 2। समझ आ रहा है कि नहीं, तो इसका अनुभार ज़्यादा है, तो इसका अनुभार ज़्यादा है, तो इसका अधिशोषण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले पहला कारक है क्या, अधिशोष्य की प्रकृति। और सबसे पहले मैं क्या पॉइंट बोला हूँ कि एक ही अधिशोषक पर अधिशोषित होने वाले गैस का मात्रा अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है पहले तो उसके क्रांतिक ताप पर,
क्रांतिक ताप का मान यदि अधिक तो अधिशोषण का मात्रा ज्यादा। दूसरा क्या बोला हूँ, अनुभार यदि अधिक तो अधिशोषण का मात्रा ज्यादा। और तीसरा कहानी ये है, ध्यान से समझना, हाइड्रोजन बंध यदि किसी में बनता है, ठीक है, यदि क्या बनता हो, हाइड्रोजन बंध, तो जिसमें हाइड्रोजन बंध बनता है उसमें अधिशोषण का मात्रा क्या होता है, ज्यादा। उसमें अधिशोषण का मात्रा क्या होता है, ज्यादा। जैसे कि आपको CO2 गैस दिया है और अमोनिया गैस दिया है, किसका अधिशोषण ज्यादा होगा? तो देखो CO2 गैस हाइड्रोजन बंध बना पाएगा क्या? नहीं। लेकिन NH3 को देखो, एक नाइट्रोजन है वो कितने हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, तीन। वैसे एक और नाइट्रोजन होगा, कितने हाइड्रोजन से घिरा होगा, तीन। तो ये आसानी से क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बंध बना सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? एक देखो, एक हाइड्रोजन है, एक प्रबल विद्युत ऋणी तत्व के साथ जुड़ा है और अपने समीप स्थित किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणी तत्व के साथ क्या होता है, जुड़ता है। तो जो बंध बनता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। तो NH3 में हाइड्रोजन बंध है, NH3 के अणुओं में क्या, हाइड्रोजन बंध है, इस कारण इसका अधिशोषण क्या हो सकता है, आसानी से ज्यादा मात्रा में हो सकता है। तो अधिशोष्य की प्रकृति, ठीक है ना, अधिशोषण को प्रभावित करता है। पहला फैक्टर क्या बोला हूँ, क्रांतिक तापमान का ज्यादा होना मतलब अधिशोषण का ज्यादा होना। दूसरा क्या बोला हूँ, अनुभार का ज्यादा होना मतलब अधिशोषण ज्यादा होना। और तीसरा क्या बोला हूँ, हाइड्रोजन बंध जिसमें उपस्थित होता है उसका अधिशोषण ज्यादा होता है। क्लियर है? ये तीनों फैक्टर लगाना, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाए क्या, तीसरा है अधिशोषक की, ध्यान से समझना, सतह क्षेत्रफल। पहला तो हो गया अधिशोष्य की प्रकृति, अब देखेंगे अधिशोषक का सतह क्षेत्रफल। जितना ज्यादा सतह क्षेत्रफल होता है, ठीक है, जितना ज्यादा सतह क्षेत्रफल होता है उतना ही ज्यादा अच्छे से क्या होता है, आपका अधिशोषण होता है। क्लियर है ना? अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज्यादा अधिक होगा, अधिशोषण का मात्रा उतना ही क्या होगा, ज्यादा। पृष्ठ सतह क्षेत्रफल ज्यादा तो अधिशोषण की मात्रा भी क्या होगी, ज्यादा। मैं उदाहरण देकर समझाता हूं, एक मिट्टी का ढिंडा लो और एक मिट्टी को बारीक चूर्ण बना दो और पानी के साथ रिएक्शन कराओ, कौन जल्दी अच्छे से क्रिया करेगा, लुगदी किसका आसानी से बनेगा, जो पिसा हुआ है उसका ना। समझ आ रहा है? नहीं। वैसे ही हमारे, हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी खाना खाते तो उसको चबाते हैं, चबाते हैं तो ये जो तुम्हारा भोजन है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या कर रहे हैं तुम, हम लोग बढ़ा रहे हैं। समझ आ रहा है? नहीं। इसी कारण वो हमारे आहार नाल में जाएगा और उसका अवशोषण क्या होगा, आसानी से जल्दी से होगा। मतलब जो पिसा हुआ चीज रहता है उसका सतह क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सतह क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिशोषण का मात्रा भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो बारीक चूर्ण जो रहता है या पिसा हुआ धातु रहता है उसका अधिशोषण ज्यादा अच्छे से होगा। क्लियर है? उसके बाद तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है आपका क्या, ताप। क्या है? ताप। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में मैं तुम लोगों को 10 बार बताया हूँ, लास अतलीय का नियम चलता है। तो लास अतलीय का नियम क्या बोलता है, ताप का मान क्या होना चाहिए ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में, कम। ताप का मान क्या होना चाहिए, कम। और दाब का मान क्या होना चाहिए, अधिक। होना चाहिए दाब का मान अधिक। यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ध्यान समझना, यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ये ऐसा देखो पूरा अणु ऐसा चिपका हुआ है, मान लो इसमें मैं टेम्परेचर को मान को बढ़ाऊंगा तो ये दूर जाने लग जाएंगे ना, मतलब अधिशोषण तो घटेगा। इस कारण टेम्परेचर को क्या होना चाहिए, अधिशोषण के लिए कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ताप का मान क्या होना चाहिए, कम। ठीक है। तो ध्यान समझना, ताप को ही समझाने के लिए, ठीक है, ताप को ही समझाने के लिए आपका एक ग्राफ बनाया गया है ना। ताप को ही समझाने के लिए देखो कितना फैक्टर अभी तक प्रभावित कर रहा है आपका। पहला फैक्टर तो हो गया अधिशोष्य की प्रकृति, दूसरा हो गया सतह क्षेत्रफल, क्या पढ़ लिए, सतह क्षेत्रफल, तीसरा पढ़ रहे हैं हम लोग ताप। मैं क्या बोल रहा हूँ कि चूंकि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ऊष्मा का क्या होता है, लॉस होता है। ऊष्मा का क्या होता है, लॉस। तो टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा, हम लोगों को कम रखना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? मैं जैसे तुम लोगों को एक उदाहरण दिया था, याद करो कि चूना रहता है, चूना को हम लोग नॉर्मल पानी में डुबाते हैं, गर्म पानी में डुबाते हैं क्या, नहीं, नॉर्मल पानी में डालते हैं तो वो क्या होने लगता है, उसमें से ऊष्मा निकलने लगता है। समझ आ रहा है कि नहीं? और जल्दी से वो टूटता है। क्लियर है ना? बुझा हुआ चूना बन जाता है। क्लियर है? एक प्रकार से ऊष्मा निकल रहे तो उसको और गर्म करेंगे क्या, नहीं, गर्म पानी में नहीं डालते हैं ना। तो वैसे ही समझना, जैसे कि याद करो मैं तुम लोगों को बताया था, क्या बताया था कि एन टू प्लस थ्री एच टू क्या बनाता है आपका, टू एन एच थ्री, याद आया? अब यहाँ पर देखो तीन और एक चार मोल, चार मोल से कितना मोल बन रहा है, दो मोल, मतलब क्या हो रहा है, आपके मोल की संख्या में कमी हो रहा है। और ये कैसा प्रक्रम होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। तो इसमें ताप को एकदम रखा जाता है कम और दाब को रखा जाता है क्या, ज़्यादा। क्लियर है कि नहीं? मतलब ताप को मात्र 200 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं और दाब को कहाँ, 500 एटीएम तक लग जाते हैं। नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है, एक, और उसको 500 गुना बढ़ाओ और टेम्परेचर नॉर्मल 100 डिग्री में उबलता है, 200 की डबल, तो उतना ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन दाब सोचो 500 गुना है। मतलब टेम्परेचर को क्या किया जाता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में कम और दाब को क्या रखा जाता है, ज़्यादा। क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़े हैं, कल बताया था अधिशोषण को ऊष्मागतिकी,
तो उसमें डेल एच का मान क्या आया था, नेगेटिव आया था। एस का मान क्या आया था, नेगेटिव आया था। जी का मान क्या आया था, नेगेटिव आया था। याद आ रहा है कि नहीं, कल पढ़े थे जी। तो वैसे ही बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर का मान को हम लोगों को रखना पड़ता है कम, ठीक है, टेम्परेचर के मान को रखना पड़ता है कम और दाब के मान को रखना पड़ता है ज़्यादा। अब ध्यान समझना, ठीक है, अधिशोषण की मात्रा एक्स बटे एम, अधिशोषण की मात्रा कैसे बोला था, अधिशोष्य की मात्रा, अधिशोष्य की मात्रा बटे अधिशोषक की मात्रा, अधिशोषक की मात्रा, दोनों को ही एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशोषण की मात्रा, यानी दोनों का जो अनुपात रहता है उसको क्या बोलते हैं, अधिशोषण की मात्रा। तो एक्स बाई एम क्या है, अधिशोषण की मात्रा, कितना अधिशोषित इसमें हो रहा है, ठीक है ना, ये जो अधिशोषक है उसमें कितना अधिशोष्य आ रहा है। एक्स बटे एम लिखता हूँ मैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स बटे एम और क्या टेम्परेचर, इसके मध्य हम क्या खींच रहे हैं, हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है। अधिशोषण कितने प्रकार का होता है आपका, दो प्रकार का, एक होता है आपका क्या भौतिक अधिशोषण और एक होता है आपका रासायनिक अधिशोषण। चूँकि मैं टेम्परेचर और किसके अधिशोषण की मात्रा के ऊपर ग्राफ खींच रहा हूँ, तो यहाँ पर दाब को क्या रखूँगा मैं, स्थिर रखूँगा, क्या रखूँगा, स्थिर। और स्थिर दाब पर जब कहानी चलते हैं तो उसको बोलते हैं समदाबी, क्या बोलते हैं, समदाबी प्रक्रम, क्या बोलते हैं, समदाबी प्रक्रम। तो हम लोग ध्यान से समझना ना, कौन सा भौतिक अधिशोषण के लिए समदाबी वक्र खींच रहे हैं, क्या खींच रहे हैं, समदाबी वक्र। समदाबी वक्र में दाब अभी क्या है, स्थिर है या नियत है, और टेम्परेचर और अधिशोषण की मात्रा के ऊपर क्या कर रहे हो, ग्राफ खींच रहे हो। यहाँ तक क्लियर है, अब कैसे होता है ध्यान से समझना, ठीक है, ग्राफ खींच रहे हैं एक्स बटे एम और टेम्परेचर के मध्य में, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, भौतिक अधिशोषण में एक्स बाई एम और टेम्परेचर, जहाँ पर पी क्या है आपका, स्थिर है, इसके बीच में जब ग्राफ खींचोगे तो क्या होता है, शुरुआत में अधिशोषण का मात्रा ज़्यादा रहता है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ तो अधिशोषण का मात्रा क्या होता जा रहा है, कम, क्या होता जा रहा है, कम। समझ आया कि नहीं, देखो अधिशोषण का मात्रा ज़्यादा था, टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ाऊंगा देखो अधिशोषण हो रहा है यहाँ पास, ठीक है ना, यहाँ पास क्या हो रहा है, अधिशोषण हो रहा है, क्लियर है ना। लेकिन जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो अणुए क्या होने लग जाएंगे, दूर जाने लग जाएंगे, दूर जाने लग जाएंगे, यानी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो अधिशोषण की मात्रा क्या हो रही है, कम। अरे ऐसे करते हूँ बढ़ता है ना, तो ऐसे कर रहा हूँ मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये पहला समदाबी वक्र है भौतिक अधिशोषण के लिए, कैसा वक्र है ये, समदाबी वक्र, क्या पढ़ रहे हो अभी, समदाबी वक्र भौतिक अधिशोषण के लिए। अंतर में ये वाला वक्र बना सकते हो क्या, एक्स बटे एम व टी के मध्य समदाबी वक्र इस प्रकार का होता है, एक अंतर बना लिए। अच्छा, रासायनिक अधिशोषण में कैसे होता है देखो, रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, ये एक्स बटे एम है और ये क्या है आपका टी, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, शुरुआत में तो ऐसे बढ़ेगा अधिशोषण की मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा, एक माध्यमिक ताप आएगा उसमें क्या हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा, और इससे ज़्यादा यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाया तो अधिशोषण का मात्रा क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, अधिशोषण का मात्रा क्या हो जाएगा, कम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पास जिस टेम्परेचर पर, ध्यान से समझना, रासायनिक अधिशोषण में पहले एक्स बटे एम के मान में लगातार क्या होता है, वृद्धि, वृद्धि प्रारंभ करने के लिए यहाँ पास जो एक टेम्परेचर का, ध्यान से समझना, एक सक्रियण ऊर्जा का क्या होता है, जरूरत होता है, उसके बाद एक निश्चित ताप के पश्चात, एक निश्चित ताप के पश्चात अधिशोषण की मात्रा क्या होने लग जाती है, कम। तो ये जो निश्चित ताप है ये यहाँ पास होगा कोई ताप, समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पास भी दाब को क्या रखें हम लोग, स्थिर, तो ये क्या है आपका, ये भी क्या है आपका, समदाबी वक्र है, क्या है, समदाबी वक्र, क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग क्या क्या पढ़ ली, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले अधिशोष्य की प्रकृति, अधिशोष्य की प्रकृति में मैं सबसे पहला पॉइंट क्या बोला हूँ कि अलग अलग गैसों का, ठीक है ना, अधिशोषक के ऊपर, अलग अलग गैसों का अधिशोषक के ऊपर भिन्न भिन्न मात्रा में अधिशोषण होता है, या उसके क्रांतिक ताप के मान के ऊपर निर्भर करता है, जितना ज़्यादा क्रांतिक ताप का मान होगा उतना ही ज़्यादा अधिशोषण होगा। दूसरा क्या बोला हूँ, अनुभार जिसका जितना अधिक होता है उसका अधिशोषण उतना ही ज़्यादा होता है। तीसरा क्या बोला हूँ, हाइड्रोजन बंध का मान जिसका अधिक होगा उसका अधिशोषण अधिक होगा। तीन पॉइंट हुआ पहला में ही। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़े, क्षेत्रफल, पृष्ठ सतह का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होता है अधिशोषण का मात्रा उतना ही ज़्यादा होता है। फिर तीसरा हम लोग फैक्टर क्या पढ़ रहे हैं, ताप, ताप ही पढ़े हैं ना। ताप में क्या बोला हूँ, चूँकि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है अतः ताप का मान क्या होना चाहिए, कम, ठीक है, ताप का मान क्या होना चाहिए, कम, और दाब का मात्रा होना चाहिए क्या, अधिक, क्लियर है। और यदि दाब को स्थिर रख करके भौतिक अधिशोषण के लिए हम लोग क्या बनाए, ग्राफ बनाए, भौतिक अधिशोषण के लिए क्या बनाए, ग्राफ बनाए। तो शुरुआत में ध्यान से समझना, टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर लगातार अधिशोषण की मात्रा में क्या होती जाती है, कमी। ये देखो ऐसे बना है, अब ऐसे उल्टा आ रहे हो मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है ना, क्लियर है। और इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि होता है, रासायनिक अधिशोषण में प्रारंभ में वृद्धि होता है सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करने तक,
और उसके बाद एक निश्चित टेम्परेचर के बाद अधिशोषण की मात्रा में क्या होने लग जाता है, कमी। निष्कर्ष वही है कि टेम्परेचर यदि बढ़ाओगे तो अधिशोषण की मात्रा में क्या होता है, कमी होता है। क्या होता है, कमी होता है। यहाँ तक समझ आया? कितना फैक्टर प्रभावित कर लिया है अभी तक, तीन। चौथा लास्ट फैक्टर है आपका दाब, जो सबसे ज़्यादा एम्पिया, और इसी को समझाने के लिए फ्रेंडलिफ नामक एक वैज्ञानिक आया था और उसने, ये समदाबी वक्र है यानी कि दाब को स्थिर रखे थे। अब जब दाब को बारे में पढ़ेंगे तो किसको स्थिर रखेंगे, ताप को, किसको, ताप को, टेम्परेचर को। तो अब पढ़ेंगे फ्रेंडलिफ का अधिशोषण समतापी वक्र, क्या पढ़ेंगे, समतापी वक्र। क्लियर है? तो देखो समतापी वक्र, ठीक। अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, दाब। कॉपी निकालो, ये ज़्यादा एमपी पॉइंट है और यहीं पास से आएगा आपका क्वेश्चन और सबको नोट करना है ये, ठीक है। दाब क्या बोल रहा है, यदि हम लोग दाब के मात्रा में वृद्धि करते हैं तो अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि दाब के मात्रा में वृद्धि करने पर, ठीक है, एक्स बटे एम के मान में क्या होता है, वृद्धि होता है। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि एक्स बाई एम समानुपाती आपका क्या है, पी। यहाँ तक क्लियर है कि जितना ज़्यादा हम लोग दाब लगाएंगे, ध्यान से समझो, ये अधिशोषक है और इसमें क्या है, अधिशोष्य है, तो हम लोग इधर से क्या मार रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, तो प्रेशर जितना ज़्यादा देंगे तो इसमें और चिपकेगा वो, यानी कि अधिशोषण का मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा। ये बोल रहा है, यानी एक्स एम समानुपाती क्या है, अब पी है। अब ध्यान समझना, इसी को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक आया फ्रेंडलिफ। कौन सा वैज्ञानिक है, फ्रेंडलिफ। वो क्या किया, ताप को स्थिर किया, ताप को स्थिर करके एक्स बाई एम व पी के मध्य क्या खींचा, ग्राफ खींचा, मध्य ग्राफ खींचा। क्लियर है ना, मध्य में ग्राफ खींचा और ग्राफ कैसे बनाया, ध्यान से समझना, ये एक्स बाई एम है, ये आपका क्या है, दाब है, प्रेशर। क्लियर है ना, वो ग्राफ में कैसे सो गया है, शुरुआत में यदि दाब को क्या रखा गया है, निम्न रखा गया है, क्या रखा गया, निम्न। जब निम्न दाब रखा गया, ठीक है, तो अधिशोषण का मान बढ़ा, अधिशोषण का मान क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके बाद माध्यमिक दाब पर ये क्या हुआ, थोड़ा सा कर्व हुआ, हल्का सा क्या हुआ, कर्व। और जैसे ही उच्च दाब लगाए तो उच्च दाब पर इसका मान क्या हो गया, स्थिर हो गया, क्या हो गया, स्थिर। तो कितना दाब का कहानी बताऊंगा, एक निम्न दाब का, दूसरा क्या पढ़ोगे तुम लोग, माध्यमिक दाब, और तीसरा क्या पढ़ोगे, उच्च दाब। क्या पढ़ेंगे, उच्च दाब। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ है, समझ आ रहा है कि नहीं, शुरुआत में बढ़ेगा, उसके बाद हल्का सा क्या होगा, कर्वा आएगा, क्लियर है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ पास को बोलेंगे पी एस, सैचुरेटेड पॉइंट। क्लियर है ना, यहाँ पास वो क्या हो गया, संतृप्त हो गया। यानी कि ध्यान से समझना, प्रारंभ में जैसे जैसे मैं दाब के मान में क्या किया हूँ, वृद्धि, तो अधिशोषण की मात्रा में क्या होता है, वृद्धि। फिर धीरे धीरे मंद गति से वृद्धि हो रहा है, बढ़ तो रहा है ना, लेकिन एकदम धीरे से बढ़ रहा है, कर्व आ गया। और उसके बाद क्या हो जाता है, जब लास्ट में एक संतृप्तता दाब आता है, निश्चित दाब आता है, पी एस, ठीक है ना, संतृप्त दाब बोलते हैं, एस सैचुरेटेड, ठीक है ना, प्रेशर। तो यहाँ पास क्या हो जाता है, उच्च दाब लगाने पर अब क्या हो गया, जो तुम्हारा अधिशोषण का मात्रा है वो क्या हो गया, स्थिर हो गया। क्या हो गया, स्थिर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ये संतृप्तता दाब आया क्यों, इसका आने का कारण क्या है? तो देखो ध्यान से समझना, जब अधिशोषण होते रहता है तो यहाँ पास क्या होता है, अधिशोषण होने का कारण क्या बताया था, यहाँ पास क्या होता है, संयोजकता मुक्त होता है। क्या होता है, संयोजकता मुक्त। मान लो सारे के सारे अणु आकर के इस संयोजकता को पूरा कर दिए, तो मुक्त संयोजकता में क्या आ गया, आप कमी आ गया, मुक्त संयोजकता में क्या आ गया, आप कमी। अब मैं कितना भी प्रेशर लगाऊं, इसमें जुड़ने के लिए जगह है क्या, संयोजकता है क्या, नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं, कितना भी आप दाब लगा ले तो क्या और अधिशोषण हो पाएगा क्या, नहीं। तो मुक्त संयोजकता जो रहता है वो क्या हो जाता है, आपका पूर्ण हो जाता है, मुक्त संयोजकता आपका क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। क्लियर है ना, तो मुक्त संयोजकता जब आपका पूर्ण हो जाता है, ये खर्च हो जाता है, इस कारण हम लोग कितना भी दाब लगाएं, कितना भी दाब लगाएं, लेकिन क्या इसमें और अधिशोषण हो पाएगा क्या, अब नहीं, जगह ही नहीं है, तो कहाँ पास आकर के। यहाँ तक क्लियर है? और इसी को समझाने के लिए फ्रेंडलिफ ने अपना क्या दिया है, अधिशोषण समतापी वक्र। यहाँ पास दाब और एक्स बाई एम के मध्य में खींच रहे हैं, तो हम लोग टेम्परेचर को क्या रखेंगे, स्थिर। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, समतापी वक्र। क्या बोलेंगे, समतापी वक्र। अब ये समतापी वक्र के बारे में डिटेल अध्ययन करते हैं। क्लियर है ना, पहले निम्न दाब पर करेंगे, उसके बाद माध्यमिक दाब पर, फिर उच्च दाब पर। क्लियर है ना, और इसका लॉग स्केल में भी बनाएंगे, ये तो नॉर्मल बना है ग्राफ। क्लियर है ना, फिर इसका एक ग्राफ हम लोग बनाएंगे किसमें, लॉग में। अब ध्यान से समझना, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे केस किसमें, निम्न दाब पर। मैं तुमको तीन केस बोला हूँ ना, तो निम्न दाब पर क्या होता है, ध्यान से समझना, एक्स बाई एम है समानुपाती पी बोला हूँ मैं, एक्स बाई एम समानुपाती क्या है आपका, पी। जैसे ही समानुपाती को हटाओगे, यहाँ पास लगेगा के पी,
और 1/n, ये घात में लगता है p के, 1/n। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? जहाँ निम्न दाब रहेगा तो n का मान रखना है हमको कितना, एक, कितना रखना है, एक। यहाँ तक क्लियर है? तो x/m इज इक्वल टू k इंटू पी, x/m इज इक्वल टू k इंटू पी। मतलब जब ग्राफ खींचोगे तुम लोग x/m और p के लिए, p के मध्य में, ठीक है, तो ये देखो डायरेक्ट समानुपाती ही है, तो क्या होगा, मान ऐसे लगातार ऐसे ग्राफ बढ़ते जाएगा। क्लियर है? तो ये पहला कहानी किसके लिए है, आपका निम्न दाब पर, कौन सी स्थिति में है ये, निम्न दाब पर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मतलब दाब का मान जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो दाब का मान बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे दाब का मान इधर आगे बढ़ रहा हूँ तो बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे ही अधिशोषण का मात्रा का मान भी क्या होता है, आपका बढ़ते जाता है। यहाँ तक क्लियर है? निम्न दाब पर सिर्फ यही निष्कर्ष निकालें, आगे बढ़ जाएँ, आगे बढ़ जाएँ। क्या दूसरा देखें, दूसरा कहानी देखते हैं हम लोग किस बार, माध्यमिक दाब तक। यहीं पास मिटा रहा हूँ ना इसको, ठीक है। पहला केस तो हो गया आपका निम्न दाब पर, दूसरा देखो माध्यमिक दाब पर, ठीक है। माध्यमिक दाब में क्या है, x/m समानुपाती p, तो ये है फार्मूला है हमारा, जैसे इसको हटाए x/m इज इक्वल टू k इंटू पी 1/n, ये होता है। यहाँ पर जब माध्यमिक दाब होता है तो n का मान होता है 0 से 1 के मध्य में, किसके मध्य में, 0 से 1 के मध्य में। तो x/m इज इक्वल टू k इंटू पी 1/n, क्या आपका 1/n। यहाँ तक क्लियर है? n का मान 0 से 1 के मध्य में रखेंगे ना, ये क्लियर है? जैसे का तैसे ही रख दिया हूँ ना मैं, n बराबर 1 किया था, किसमें, मैं निम्न दाब पर, किसमें किया हूँ, निम्न दाब पर। और माध्यमिक दाब में क्या बोल रहा हूँ, n बराबर 0 से क्या है, 1 है माध्यमिक दाब पर। क्लियर है? 0 से लेकर के 1 के मध्य में है, तो ध्यान से देखो 0 से 1 के मध्य में है n का मान। अभी मान को नहीं रखा हूँ ना, डायरेक्ट फार्मूला को जैसे का तैसे ही लिखा हूँ। इसको मान लो मैं लॉग स्केल में लूँ तो ये क्या हो जाएगा, log xm इक्वल टू log k, क्या हो जाएगा, log k। यहाँ तक क्लियर है? log x/m बराबर log k, इंटू रहता है वो क्या हो जाता है, प्लस, क्या हो जाता है, प्लस, और जो घात में रहता है वो सामने आ जाता है, तो 1/n, और ये क्या हो जाएगा, log p, क्या हो जाएगा आपका, log p। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ आया, क्लियर है ना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण याद करो, मैं याद करवाया था 11वीं में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही होता था। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास देखो एम एक्स फॉर्म में कौन है, एक होगा m और एक होगा x, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ क्या, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स करके, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये होगा आपका y, ये हो गया आपका c, और ये क्या है आपका एम एक्स, क्या है, एम एक्स। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये सी, ये आपका एम और ये आपका एक्स, और ये क्या है आपका वाई। यहाँ तक क्लियर है? अब इसका ग्राफ बनता है, अब ग्राफ के बारे में तो सब लोगों को आइडिया ही है, ठीक है। क्या है ये देखो, ऐसा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में एक्स बराबर क्या दिया है देखो, तो लॉग पी, तो यहाँ पास क्या लिखोगे, लॉग पी। यहाँ तक क्लियर है? y बराबर क्या दिया है, log x/m, तुलना किया हूँ ना मैं, तो क्या हो जाएगा, log x/m। अच्छा, अंतःखंड दिया है, अंतःखंड, और ये देखो पॉजिटिव में है मान, किसमें है, पॉजिटिव में, तो ये अंतःखंड छोड़ करके ऐसे गया पॉजिटिव में, ये जो अंतःखंड है इसका जो मान है, ठीक है, इंटरसेप्ट c, इसका मान क्या है आपका, log k, क्या है, log k। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये जो स्लोप है, स्लोप का मान क्या है, 1/n, क्या है, 1/n। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ये बन गया आपका माध्यमिक दाब के लिए, किसके लिए बन गया, ग्राफ माध्यमिक दाब के लिए, क्लियर ना, ये ढाल है, ये क्या है आपका, अंतःखंड। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? तो माध्यमिक दाब के लिए ग्राफ इस तरीके से बनाना है, यहाँ तक समझ आया? निम्न दाब के लिए क्या बनाए थे तुम लोग, ये वाला डायरेक्ट ऐसे बना था ना, और यही माध्यमिक दाब को याद करो, वो वाला जो ग्राफ रहता था उसमें कैसे दिखाते थे, हल्का सा ऐसा कर्व दिखाते थे, याद आया, जो सबसे पहला ग्राफ पढ़े हो, ये वाला, इसमें हल्का कर्व दिखाया है ये देख, लेकिन उसका एग्जैक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, ये वाला है, क्लियर है, लॉग स्केल में, समझ आया कि नहीं? तो निम्न दाब पर कैसे स्थिति है, सीधा,
और उसके बाद माध्यमिक दाब पर ये वाला बनाना है, ये वाला ग्राफ बनाना है, क्लियर है ना, क्योंकि ऐसे करके तुम लोग सो नहीं कर पाते अच्छे से, क्लियर है, तो ऐसे दिखाएं। उसके बाद तीसरा स्थिति देखते हैं, आप कौन सी स्थिति देखेंगे, उच्च दाब पर। तीसरा स्थिति क्या है, आप उच्च दाब पर, उच्च दाब पर क्या होता है ध्यान समझना, एन बराबर क्या हो जाता है आपका जीरो, मतलब एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी वन बाई एन होता है, तो एक्स बाई एम के इन टू पी वन बाई जीरो, तो पी का घात क्या आ जाएगा आपका जीरो, जीरो, तो इसका पी का घात जीरो है, मतलब क्या आ गया मान एक, तो एक्स बाई एम कॉन्स्टेंट हो गया, क्या हो गया आपका कॉन्स्टेंट, स्थिर हो गया, क्या आ गया आपका मान इसका स्थिर, नियत हो गया, और नियत हो जाता है तो तुम लोग को अभी जो बताया हूँ मैं, ये निम्न दाब पर था, ये माध्यमिक दाब क्या था आपका माध्यमिक दाब, अब स्थिर हो गया था, ऐसे हो जाएगा स्ट्रेट लाइन बनेगा आपका, कैसा ग्राफ बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन वाला, ये एक्स बाई एम और किसके माध्यम में आपके पी के माध्यम में, याद है, समझ आया कि नहीं, क्लियर है, समझ आया कि नहीं, मतलब क्षैतिज अवस्था में हमको एक ग्राफ प्राप्त होता है उच्च दाब पर, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर कट है कहानी, ठीक है। तो दाब का मात्रा जैसे जैसे बढ़ाते हैं अधिशोषण की मात्रा वैसे वैसे ही बढ़ते जाती है, निम्न दाब पर पहला कहानी लगातार बढ़ा, माध्यमिक दाब पर एक कर्व आता है, और उच्च दाब पर मान क्या हो जाता है नियत, निम्न दाब के लिए ये ग्राफ को स्पेसिफाई किया, उसके बाद माध्यमिक दाब के लिए लॉग स्केल लेकर के ये वाले ग्राफ को हम लोग समझे, यहाँ तक क्लियर है, जिसमें मान जीरो से कितना एक के मध्य में आता, और लास्ट वाले में मान कितना रखता हूँ मैं जीरो, यदि जीरो रख दिया तो इसका मान क्या हो गया एक, मतलब के इंटू एक, मतलब के, ये एक नियतांक है, इसका मान क्या हो गया आपका नियत, समझ आया कि नहीं, क्लियर है। अब ये जो हम लोग दाब वाला कॉन्सेप्ट पढ़े, फ्रेंडलिप का अधिशोषण समतापी वक्र है, ये क्या है समतापी, क्योंकि यहाँ पास ताप का कहीं पास भी जिक्र है क्या नहीं, यानी उसको क्या रखें स्थिर रखें, क्लियर है ना, तो ये फ्रेंडलिप का अधिशोषण समतापी वक्र है। अब इसका क्या क्या कमी है, सबसे पहला कमी है कि जब उच्च दाब का कहानी चलता है तो उच्च दाब पर असफल हो जाता है, जैसे ही हाई प्रेशर लगाए तो वो क्या हो गया कॉन्स्टेंट आ गया, मतलब पहला कमी क्या है उच्च दाब पर, यह जो अधिशोषण समतापी वक्र है क्या है वो असफल है, ठीक है ना। दूसरा क्या बोल रहा हूँ, उच्च दाब प्राप्त करने पर ग्राफ में हल्का सा वक्रता पाया जाता है, उच्च दाब पर क्या पाया जाता है हल्का सा वक्रता, यानी एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी वन बाई एन ऐसा है, तो इसको हम लोग जब शो करते हैं लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस वन बाई एन लॉग पी, ये करके शो करते हैं माध्यमिक दाब वाला जी, यानी निम्न दाब से हल्का से भी दाब बढ़ाते हैं तो ये जो वक्रता आता है, समझ आया कि नहीं, ये ऐसा चल रहा था निम्न दाब तक हल्का से ही कि हम लोग जैसे ही बढ़ाए तो ऐसा वक्र बनता है, याद है, क्लियर है ना, और उसके लिए ये मान आता है, इसको बताया, क्लियर है ना। अच्छा, और अधिशोषण का व्याख्या, तीसरा कमी देखो, अधिशोषण का व्याख्या करने के लिए, अधिशोषण की व्याख्या हेतु सार्वभौमिक समीकरण नहीं दिया, यानी ऐसा एक समीकरण देना चाहिए था जो हर प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करा दे, जो सबको मान्य हो, ऐसा सार्वभौमिक समीकरण नहीं दिया गया, समीकरण नहीं दिया गया, तो ये फ्रेंडलिप का अधिशोषण समतापी वक्र का कितना कमी हो गया आपका तीन, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, मैं दाब को छोड़ करके मान लो ताप के लिए, एक नंबर का क्वेश्चन एक बार आया हुआ है ना, दाब को छोड़ करके यदि सांद्रता के ऊपर निर्भर कराऊँ, किसके ऊपर अधिशोषण की मात्रा को, सांद्रता के ऊपर, तो उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, एक्स बाई एम समानुपातिक सी, सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन सी, ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो एक्स बाई एम इज इक्वल टू के इंटू सी, क्लियर है, और इसमें ज़्यादा डिटेल जाओगे तो वन बाई एन, ये वाला फॉर्मूला आता है एक्स बाई एम इज इक्वल टू, किसके लिए, ये सांद्रता के लिए, किसके लिए है सांद्रता के लिए, ठीक है, और ये किसके लिए है दाब के लिए है, दाब के लिए फॉर्मूला ये वाला है, और सांद्रता के लिए पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला आता है पेपर में, एक बार आया है, ठीक है, सांद्रता के लिए समीकरण, जहाँ सी बराबर क्या है आपका सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। लिख लिए, हो गया, तो निष्कर्ष क्या निकाले हैं, प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले अधिशोष्य की प्रकृति, अधिशोष्य की प्रकृति, और उसमें भी कितना टॉपिक बोला हूं मैं तीन, यदि क्रांतिक ताप का मान ज्यादा,
ठीक है, तो अधिशोषण का मान भी क्या होगा, ज़्यादा। यदि अनुभार का मान क्या हो गया, ज़्यादा, तो अधिशोषण का मात्रा ज़्यादा। और तीसरा क्या बोला, हाइड्रोजन बंध का मान यदि, यानी हाइड्रोजन बंध उपस्थित है तो उसका अधिशोषण ज़्यादा। उसके बाद दूसरा हम लोग टॉपिक क्या पढ़े, क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा अधिशोषण का मात्रा उतना ही ज़्यादा होगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, तीसरा ताप पढ़े हैं। ताप है तो कौन सा वक्र पढ़ रहा हूँ मैं, समदाबी वक्र। क्या बोला हूँ मैं, समदाबी वक्र। ठीक है, एक तो भौतिक अधिशोषण के लिए देखे हैं और एक किसके लिए देखे हम लोग, रासायनिक अधिशोषण के लिए। मैं क्या बोला हूँ, भौतिक अधिशोषण में एक्स बाई एम और किसके मध्य में ग्राफ खींच रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर। तो जैसे जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, अधिशोषण की मात्रा घटता है, मतलब ऐसा ग्राफ मिलता है, क्लियर है। और इस वाले में क्या बोला था, रासायनिक अधिशोषण में जैसे जैसे, ध्यान दो, एक्स बाई एम और ये क्या है, टी। जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो शुरुआत में अधिशोषण बढ़ता है, लेकिन एक टाइम के बाद अधिशोषण का मान क्या होने लगता है, घटता है। तो दोनों में निष्कर्ष क्या निकला, टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर अधिशोषण का मात्रा क्या होता है, कम होता है। ये तीन टॉपिक हो गया था। चौथा प्रभावित करने वाले कारक क्या बोले थे हम लोग, दाब। क्या बोला था, दाब जो रहता है अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित करता है डायरेक्ट, उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, प्रोपोर्शनल। जैसे इसको सॉल्व करते हैं, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी वन बाई एन। निम्न दाब के लिए, निम्न दाब के लिए हम लोग क्या पढ़े, एन का मान क्या होता है आपका, एक। माध्यमिक दाब के लिए एन का मान क्या होता है आपका, जीरो से एक। और उसके बाद उच्च दाब के लिए क्या होता है, इसका मान जीरो। उच्च दाब के लिए जीरो होता है, किसका मान, एन का मान, क्लियर है। ये माध्यमिक दाब के लिए हम लोग ग्राफ ये वाला बनाए थे, इंटरसेप्ट वाला, ये वाला याद आया। और ये तीनों को शो करने के लिए हम लोग कौन सा वाला ग्राफ बनाए, ये पहले, फिर ये क्या आएगा, हल्का सा वक्र, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्लियर है, समझ आया कि नहीं। तो प्रभावित करने वाला टोटल कितना कारक है, अधिशोषण की मात्रा को, चार। उसमें से जो तीसरा ताप है उसमें हम लोग पढ़े समदाबी वक्र, और इसको बताया था फ्रेंडलिफ ने, और इसको बोला गया क्या, समतापी वक्र। क्या बोला गया, समतापी वक्र, क्लियर है कि नहीं। और समतापी वक्र में माध्यमिक दाब के लिए एक अलग ग्राफ बताया हूँ, और तीनों को समझाने के लिए एक अलग ग्राफ बनाया हूँ। तो कभी भी फ्रेंडलिफ का अधिशोषण समतापी वक्र आया तो दोनों ग्राफ बनाना है। पहला तो ग्राफ ये वाला बनाओगे, बढ़ता है, फिर क्या होता है, थोड़ा सा वक्र आता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ये वाला बनाओगे निम्न दाब पर, माध्यमिक दाब पर और उच्च दाब पर। और फिर ये माध्यमिक दाब के लिए स्पेशल एक और ग्राफ बना था, ये वाला, समझ आया। ये जहाँ पास ये अंतःखंड है, ये ढलान है, वन बाई एन आता है जिसका मान, फिर ये एक्स एक्सिस का मान और ये वाई एक्सिस का मान, यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। अब ये तो पूरा चैप्टर का अधिशोषण वाला पार्ट का कंप्लीट हो गया कहानी। अब सबसे लास्ट में पढ़ना है हमको अधिशोषण का उपयोग। सबसे पहला उपयोग है गैस मास्क के रूप में, सबसे पहला उपयोग है क्या, गैस मास्क के रूप में। तुम लोग देखे होगे सीआईडी वगैरह लोग जब खदान में जाते हैं एकदम जांच करने के लिए, किसी का डेथ हो गया तो लोग क्या करते हैं, ऐसा मास्क लगाते थे, ठीक है, ऐसा मास्क लगाते थे नाक के ऊपर, ऐसे समोसा जैसा दिखता था, यहाँ पास ऐसे ऐसे यहाँ से एयर पास होगा। असल में इसके अंदर रहता है क्या, चारकोल रहता है। क्या रहता है, चारकोल। मैं बोला था जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो अलग अलग गैसों को अधिशोषित कर लेता है, तो जहरीला गैस को अधिशोषित कर लेगा तो उनके नाक के अंदर फ्रेश एयर ही भर जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले तो उपयोग करते हैं अधिशोषण में किसका, गैस मास्क में, किसमें, गैस मास्क में। अच्छा, दूसरा उपयोग करते हैं हम लोग निर्वात उत्पन्न करने में, उच्च कोटि का निर्वात। निर्वात मतलब वायु की मात्रा को पूरी तरीके से क्या करने के लिए, हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ठंडा चारकोल का। किसका उपयोग कर देते हैं, ठंडा चारकोल का, ठीक है। मान लो एक तुम्हारा एक ऐसा कोई पात्र है, इस पात्र के अंदर मेरे को निर्वात करना है, तो यहाँ पास चारकोल वो डाल देंगे तो पूरी तरह से यहाँ उपस्थित जो एयर रहेगा उसको क्या कर लेगा, खींच लेगा, क्लियर है, उसका अधिशोषण कर लेगा। और किसमें, नमी दूर करने में, सिलिका जेल का उदाहरण दिया था मैं, नमी दूर करने में। और क्या बताया था, शर्करा को साफ करने में, गन्ना वाला जी, क्लियर है ना, शर्करा साफ करने में जंतु चारकोल का उपयोग। शर्करा साफ करने में किसका उपयोग होता है, जंतु चारकोल का उपयोग होता था, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और क्या है तुम्हारा, क्रोमेटोग्राफी में भी अधिशोषण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में भी किस सिद्धांत का उपयोग होता है आपका, अधिशोषण के सिद्धांत का। किसका, अधिशोषण के सिद्धांत का, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद उत्प्रेरण सिद्धांत, मैं बताया था उत्प्रेरण का माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। जब उत्प्रेरण का माध्यमिक यौगिक सिद्धांत पढ़े थे, उसके बाद दूसरा जो सिद्धांत पढ़े थे अधिशोषण सिद्धांत। क्या पढ़े थे, अधिशोषण सिद्धांत। तो अधिशोषण का उपयोग हो रहा था उत्प्रेरण में, क्लियर है। किसके लिए होता है, विषमांगी उत्प्रेरण के लिए। किसके लिए होता था, विषमांगी उत्प्रेरण में, याद आया कि नहीं। यानी कि एफ ई का सतह रहता था, उस पर नाइट्रोजन गैस आता है, हाइड्रोजन गैस आता है बोला था,
तो अधिशोषण ही तो हो रहा है उत्प्रेरण की प्रक्रिया को कंप्लीट करने में, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। अक्रिय गैसों को पृथक करने में भी अधिशोषण का उपयोग होता है, अक्रिय गैसों के पृथककरण में। याद करो मैं किसका उदाहरण याद करने के लिए बोला था, नारियल का चारकोल, किसका बोला था, नारियल का चारकोल। क्लियर है कि नहीं, समझ आया? तो उपयोग जो है आपके बुक में पूरा डिटेल है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। अधिशोषण के कोई चार उपयोग लिखे या पांच उपयोग लिखे करके आता है, क्लियर है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अधिशोषण किसे कहते हैं, अधिशोषक किसे कहते हैं, अधिशोष्य किसे कहते हैं, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, फिर अवशोषण का प्रकार, धनात्मक अधिशोषण, ऋणात्मक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, चार कारक हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एमपी कौन सा कारक है, दाब। दाब का कितना परिस्थिति में देखें, स्थिति देखें, तीन, निम्न दाब, माध्यमिक दाब और उच्च दाब। माध्यमिक दाब में एक और एक्स्ट्रा ग्राफ बनता है और तीनों का एक और ग्राफ, क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से आपका ये जो पृष्ठ रसायन का जो दूसरा टॉपिक था उत्प्रेरण के बाद अधिशोषण, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग कंप्लीट करेंगे कोलाइडी विलयन, जो कि सबसे लंबा पार्ट है, ठीक है, और कम से कम तीन लेक्चर लगेगा इसमें, क्लियर है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।